देश में 5 दिनों के बाद आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 1675 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 31 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई। आपको बता दें कि कल यानी कि सोमवार के आंकड़े में संक्रमित मरीजों की संख्या 2022 थी और 46 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटों में 1635 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,841 हो गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,24,490 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 40 दिनों बाद सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में दैनिक संक्रमित रोगियों की संख्या 300 से कम मिली है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि एक दिन में 268 लोग संक्रमित मिले। इससे पहले 13 अप्रैल को 299 लोग संक्रमित मिले थे। जी हां, कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 208 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,83,010 हो गई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि लगातार 5 दिनों से संक्रमण के कारण किसी भी मरीज ने दम नहीं तोड़ा है, लिहाजा मृतकों की संख्या 1,47,856 पर स्थित है। तो वही मुंबई की बात की जाए तो यहाँ बीते 24 घंटों में कोरोना के 150 मामले सामने है। जी हाँ, आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ रहा है।